अधर्मस्य उपरि धर्मस्य, असत्यस्य उपरि सत्यस्य, दुर्जनतया उपरि सज्जनतया, विजयस्य प्रतीकम्। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को, सारे बी ऑप्टिमिस्टिक फैमिली को, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से मुबारकबाद आप सभी लोगों को। आप सभी लोग बहुत अच्छा करें, मेरी मनोकामना यही है। मेरी सारी अच्छी विशेष यही है कि आप सभी लोग, जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन आप लोगों के हैं, सब लोग बहुत अच्छा करें। मुझे लगा एक छोटा सा वीडियो इस पे करना चाहिए और कुछ मेरे थॉट्स थे हल्के फुल्के, उसको शेयर करना चाहिए आप लोगों से ना। तो ये कोई स्टडी रिलेटेड नहीं है, अगर आप स्टडी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आए हैं या कुछ ऐसा ना, तो ये शायद आपके लिए नहीं होगा। देखो, शुरुआत में अपने मतलब वीडियो की जो आगे कुछ बोलने की, एक श्लोक से करना चाहूंगा, जो छोटा सा एक श्लोक है, बहुत ही मीनिंगफुल श्लोक है। अधर्मस्य उपरि धर्मस्य, असत्यस्य उपरि सत्यस्य, दुर्जनतया उपरि सज्जनतया, विजयस्य प्रतीकम्। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? देखो, मैं दोनों में मीनिंग इसका बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, ठीक है। सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ धर्मा ओवर अधर्मा, ट्रुथ ओवर फॉल्सहुड, गुड ओवर इविल। अब हिंदी में यही मीन समझ लीजिए, अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, यही विजय का प्रतीक होता है मेरे भाई, यही आपके दशहरा का प्रतीक होता है मेरे भाई। देखो, दशहरा मीन्स होता है रावण को जला देना ही नहीं होता है, खाली उसके पुतले को जला देना, ये दशहरा का मेन मोटिव नहीं है। मेन मोटिव ये है दशहरा कि अपने अंदर जो रावण पनप रहा है, आपके अंदर जो एक इविल स्प्रिट है, जो बुराइयां जन्म ले चुकी है ना, उनको खत्म करो मेरे भाई। जो बेकार की जेलस किसी से है, बेकार की ये लगता है कि मैं कर नहीं सकता, कोई भी एग्जामिनेशन या कर नहीं सकती, उसको जलाओ पहले। वो जरूरी है जलना, क्योंकि अगर आपकी इंटरनल प्योरिटी नहीं रहेगी ना, आत्मा अगर आपके शुद्ध नहीं रहेगी ना, कुछ भी फायदा नहीं है, कुछ भी करते रह जाओ मेरे भाई। तो पहले अपने अंदर का जो रावण एक तरह से बैठा हुआ है, जो आपको हमेशा रोकता है, रेसिस्ट करता है कि आप नहीं कर सकते हो कुछ भी, या ये चीजें नहीं कर सकते हो ना, उसको जलाओ। वो जला दोगे ना, तो आपका एग्जामिनेशन आपके क्लियर होते हुए दिखेंगे आपको। अगर आप अपनी बुराइयों को खत्म कर दोगे ना, तो दुनिया के लोग आपको अच्छे लगते दिखेंगे, चाहे वो किसी धर्म रिलीजन किसी कहीं से भी हो, आपको सारे अच्छे लगना शुरू हो जाएंगे। अपने अंदर की अगर कुरूतियों बकवास की जो आपके अंदर बैठ चुकी हैं चीजें ना, कॉन्सेप्ट बैठ चुके हैं बकवास के, उनको जलाओ मेरे भाई। उनको अगर आपने जला दिया तो सब कुछ आपको अच्छा दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत दुनिया दिखेगी मेरे भाई। दुनिया देखो दो ही तरह से नजरिए से लोग देखते हैं, एक तो वो बहुत खूबसूरत जिनको दिखती है, और एक वो जिनको हमेशा हर तरफ झगड़े मारपीट यही सब दिखता है। बस अपनी सोच को सुधारिए, अपनी सोच में जो आपकी रावण एक तरह से बैठ चुका है ना, उसको मारिए। उसको मार देंगे तो आपको दुनिया बहुत खूबसूरत नजर आने वाली है। मैं कोई बहुत बड़ा सा लेक्चर इस पे देने वाला नहीं हूँ मेरे भाई, आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग अच्छे से जानते हैं क्या चीज़ें सही हैं क्या नहीं सही हैं। तो बस छोटी सी बातें मुझे लगा शेयर करनी चाहिए, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। बस एक चीज़ और लास्टली मैं इसमें ऐड करूंगा, कुछ अच्छा लगा मुझे तो इसमें चीज़ें बोल भी रहा हूं और आपको शो भी कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर किसी को सेंटिमेंट इससे हर्ट होगा भाई, तो उसके लिए पहले से सॉरी है, ठीक है। मैंने महसूस किया है वो जलते हुए रावण का दुख, मैंने महसूस किया है वो जलते हुए रावण का दुख, जो सामने खड़ी भीड़ से बार बार पूछ रहा था, तुम में से कोई राम है क्या? मेरे भाई राम है ना, तो उनके चरित्र को, उनके कैरेक्टर को, उनके बायोग्राफी को प्लीज पढ़िए और उनको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। पढ़िए मेरे भाई, पढ़ने से चीज़ें अच्छी होती हैं, सुनने से चीज़ें नहीं होती हैं, सुन के नहीं, प्लीज़ पढ़िए, बायोग्राफी पढ़िए, उनके जीवन के बारे में पढ़िए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक आदर्श जीवन जीने का मौका मिलेगा आपको। बस एक ही चीज कहूंगा, जो आपके अंदर डर बैठ गया है ना किसी भी चीज को लेके, या एक कोई अजीब तरह से आपके अंदर कॉन्सेप्ट बैठ चुका है, तो उसको हटाइए। वो रावण है आपके लिए, उसको मारिए। एग्जाम क्रैक कर सकते हो, लेको आप लोग एस्पिरेंट हो, एग्जामिनेशन 100% क्रैक कर सकते हो। क्रैक की नहीं होता है, बस एक ही रीजन है, आप हार मान जाते हो, और वही हार और वही डर आपके लिए एक रावण का काम करता है, जो आपको हमेशा रेसेट करता है, रोकता है, हमेशा रोकता है कि नहीं कर सकते हो। और दूसरी होती है मेरे भाई, दूसरों से जलने की भावना, ये नहीं होनी चाहिए, अप्रिशिएट करने आना चाहिए लोगों को, ये भी आपका एक तरह से रावण के फॉर्म है आपका, ठीक ना, इसको भी जलाना है आपको। तीसरा मेरे भाई कि आपको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए लोगों को ना, लोगों को अप्रिशिएट और सपोर्ट करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं है आपके अंदर, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो ये भी रावण है, सबसे बड़ा रावण आपके लिए है, इसको जलाओ मेरे भाई।
चौथी बात मैं इसमें ऐड करूंगा कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप सोच सोच के अपने हालात बदल दोगे ना, तो ये सोचना खाली, जो सोचना खाली ड्रे ड्रीमर टाइप का है ना, सपनों की दुनिया में सोचना, ये भी आपके लिए एक रावण है। इसको जलाओ और ये कहो कि मैं करूंगा, सोच तो लिया, अब इस पे इम्प्लीमेंट करूंगा और पढ़ूंगा, तभी बदलेंगी चीज़ें। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे, बहुत कुछ मैं नहीं बोलता हूं, वो बड़ी वीडियो जाएगी और आप लोगों का भी एग्जामिनेशन है, टाइम वेस्ट होगा। तो बस यही एक चीज कहूंगा मेरे भाई, मेहनत से पढ़ते रहो, सब अच्छा होगा, सब कुछ बदल जाएगा, बस पढ़ने पे फोकस रखो। और याद रखो मेरे भाई, सिंबल ऑफ विक्ट्री जो होती है मेरे भाई, वो आपकी सत्य पे डिपेंड है, सत्य पे, ट्रुथ पे डिपेंड है, ठीक ना। तो इसी वजह से मेहनत कीजिए, ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए, ऑनेस्टली मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, बहुत कुछ बदलेगा। कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, देन आप जानते हैं क्या होने वाला है। पॉजिटिव रहिए, ऑलवेज माइंड को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहने की कोशिश कीजिए। नेगेटिव लोग अगर कुछ बोलते हैं तो इग्नोर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नेगेटिव लोग अपने कुछ आगे करते नहीं है और आपको भी रोकते हैं हमेशा, आपके पैर खींचते हैं केकड़े की तरह। तो उनसे थोड़ा दूर रहना सीखिए, चाहे कोई भी आपके हो, ठीक है ना, उनसे दूर रहना, पॉजिटिव हमेशा रहने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव वाइब्स के पास रहना सीखिए, ठीक है ना, वो फायदा करेगा आपको। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सब अच्छा करते रहिए, टारगेट अकम्प्लिश करते रहिए। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।